दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपनी स्नैपचैट आईडी को कैसे डिलीट कर सकते हो परमानेंटली 2023 में। इस टाइम पर दोस्तों, कैसे आप लोग अपनी स्नैपचैट आईडी को जो है परमानेंटली हमेशा के लिए जो है डिलीट कर सकते हो, वही आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब लेना अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले स्नैपचैट को आपको ओपन करना है। स्नैपचैट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में आपका लोगो दिखाई देगा प्रोफाइल का, इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ऑप्शन सेटिंग का, तो आपको जो है सेटिंग पर आपको कर देना है क्लिक। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोस्तों कुछ ऐसा जो है इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको जो है कुछ नहीं करना, बस आपको जो है नीचे आना है। तो यहाँ पर मैं जो है नीचे आता हूँ, जैसे आप लोग यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सपोर्ट का। सपोर्ट के नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर आई नीड हेल्प का ऑप्शन, तो आपको सिंपली से आई नीड हेल्प पर आपको कर देना क्लिक। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो है कुछ ऐसा यहाँ पर जो है इंटरफेस आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मेरा जो है थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसा आपके सामने दोस्तों जो है इंटरफेस आएगा, जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है 6 नंबर पर, यहाँ पर देख सकते हो मैनेजिंग माई अकाउंट का। आप लोग यहाँ पर देख लो मैनेजिंग माई अकाउंट का, तो आपको सिंपली से मैनेजिंग माई अकाउंट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने जो है क्लिक कर दिया। अब आपके सामने दोस्तों कुछ ऐसा जो है इंटरफेस आएगा, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिख रहा है डिलीट और रीएक्टिवेट माई अकाउंट का, 3rd नंबर पर ये वाला, तो आपको सिंपली से जो है डिलीट और रीएक्टिवेट माई अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन है, पहला है हाउ डू आई डिलीट माई स्नैपचैट अकाउंट और दूसरा हाउ डू आई रीएक्टिवेट माई स्नैपचैट अकाउंट। तो आपको यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है हाउ डू आई डिलीट माई स्नैपचैट अकाउंट, इस पर आपको दोस्तों कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर मैंने जो है क्लिक कर दिया। अब आपके सामने यहाँ पर जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे आप लोग यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर जो है ब्लू लाइन में एक ऑप्शन दिख रहा है अकाउंट्स पोर्टल का, ये दिख रहा हो आपको यहाँ पर दिख रहा है अकाउंट्स पोर्टल का ऑप्शन, इस पर आपको कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट करने का जो मेन पेज है वो यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो है स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट करने का जो मेन पेज है वो यहाँ पर जो है ओपन हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली से आपको आपकी स्नैपचैट आईडी का जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो आप अपनी स्नैपचैट आईडी का जो भी पासवर्ड था वो यहाँ पर जो है डाल देता हूँ। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि मैंने इसके ऊपर भी जो है वीडियो बना रखा है कि कैसे आप लोग अपनी स्नैपचैट आईडी का जो है पासवर्ड पता कर सकते हो, उस वीडियो को जाकर आप लोग देख लेना। तो फिर मैंने जो है यहाँ पर मैं अपना स्नैपचैट आईडी का जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पर जो है सबसे पहले डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी स्नैपचैट आईडी का जो है पासवर्ड वगैरह डाल दिया, तो आपको भी अपने आपकी स्नैपचैट आईडी का जो भी पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको सिंपली से कंटिन्यू पर आपको कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर क्लिक कर दोगे जैसे, तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आपका अकाउंट यहाँ पर जो है डीएक्टिवेट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं अकाउंट डीएक्टिवेटेड, मतलब मेरा अकाउंट यहाँ पर जो है डीएक्टिवेट हो चुका है और अब ये अकाउंट मेरा जो है 30 दिन के बाद जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर देख रहा होगा दोस्तों, आपको एक बात बता देता हूँ कि अभी आपका अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है देख सकते हो यहाँ पर लिख रहा है इन 30 डेज योर अकाउंट विल बी डिलीटेड। आपका अकाउंट यहाँ पर जो है 30 डेज में के बाद ही जो है डिलीट होता है। अगर आप लोग जो है इसको रीएक्टिवेट करना चाहते हो फिर से, तो आप लोग अपनी आईडी को जो है लॉगिन कर सकते हो और जैसे आप लोग लॉगिन कर दोगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर जो है रीएक्टिवेट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको आपका अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको यहाँ पर जो है डीएक्टिवेट करने के बाद, मतलब ये रिक्वेस्ट आपको करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस आईडी को जो है दोबारा लॉगिन नहीं करना। अगर आप लोग लॉगिन कर लोगे 30 दिन से पहले तो आपका अकाउंट यहाँ पर जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा, डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर 30 डेज का वेट करना और आपका अकाउंट यहाँ पर जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब आपका अकाउंट ये जो है किसी को भी शो भी नहीं होगा अगर ये यहाँ पर अकाउंट डीएक्टिवेट होने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग जो है सीख गए होंगे, तो इस तरह से आप लोग अपने अकाउंट को यहाँ पर जो है डिलीट कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो परमानेंटली। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।